आलू टिक्की को आप रगड़ा पेटीज या फिर बर्गर या आलू चाट में भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं चॉप्ड प्याज, बॉइल्ड और मैश किया हुआ आलू, अदरक और हरी मिर्च, पोहे और ब्रेड क्रम्स। तो अब सबसे पहले पोहे में पानी डालें और इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए भिगो देना है ताकि अच्छे से सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाएंगे। तो पोहे को अच्छे से धोकर 1 से 2 मिनट के लिए भिगोकर रखने के बाद इसमें डालें मैश किया हुआ आलू। फिर डालें बारीक कटा प्याज, 1 टीस्पून जितनी अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट और थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया। तो अब इसमें हम डालेंगे सारे मसाले। तो अब इसमें डालें 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और फिर इसमें डालें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और फिर आधे नींबू का रस इसमें डालें। तो अब इस मिक्सचर को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करते जाएं। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें डालें ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स अवेलेबल ना हो तो इसमें आप कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा भी डाल सकते हो। इसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपका जो मिक्सचर है उसमें कितना मॉइस्चर है। तो थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डालकर इसे फिर से कंबाइन करें, इसे अच्छे से मिक्स करें और अगर जरूरत लगे तो फिर से थोड़ा ब्रेड क्रम्स डालें। तो अब मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेकर इसे इस तरह से गोल शेप बनाकर फ्लैट कर दे और इस तरह से टिक्की का शेप दे। अगर आपका मिक्सचर से टिक्की का प्रॉपर शेप ना बनता हो तो इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डालें और फिर से टिक्की जैसा शेप देकर कटलेट्स रेडी कर लें। अगर मिक्सचर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो फिर इसका शेप बिगड़ जाएगा। तो अब इधर मैंने सारी कटलेट्स रेडी कर ली है। तो अब एक एक करके कटलेट्स को हम मैदे की या फिर कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डिप करेंगे। स्लरी में अच्छे से डिप करने के बाद इसे एक बार ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट करें। तो अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो गरम तवे पर थोड़ा सा तेल डालें और फिर एक एक करके सारी कटलेट्स को इस पर रख दें। 2 से 3 मिनट के बाद कटलेट्स को पलटाएं और दूसरी ओर पका लें। तो अब ये कटलेट्स दोनों तरह से अच्छे से पक चुकी है तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लें। तो अब ये आलू की कटलेट्स बिल्कुल रेडी है। इसे आप गर्मा गर्म केचप के साथ सर्व करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।